हेलो एवरीवन, क्यूटू मॉम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेग्नेंट महिला अगर अनार का सेवन करती है तो उसको कितने सारे लाभ हो सकते हैं। जानेंगे कि प्रेगनेंसी के पूरे महीने, पूरे 9 महीने अगर एक महिला अनार का सेवन करती है तो उससे महिला को कितने ज़्यादा फायदे पहुँचते हैं और होने वाले शिशु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, यूट्यूब मॉम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि डेली के आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, एक गर्भवती महिला अगर डेली एक अनार का सेवन करती है तो सबसे पहला फायदा ये है कि महिला का पाचन, जो डाइजेशन है, वो अच्छा रहेगा। डाइजेशन बहुत अच्छा होने से महिला का मूड बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अनार में बहुत सारा पोषण होता है, उसमें विटामिन सी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी से 70% महिलाएं ग्रसित होती हैं, तो अनार अगर आप नियमित सेवन करती हैं तो पूरे 9 महीने खून की कमी की समस्या आपको नहीं आएगी। कई बार ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान करती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपकी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में अनार बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। साथ ही अगर आप अनार को पूरा खाते हैं तो उसके अंदर जो फाइबर पाया जाता है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में भी आपकी बहुत मदद करने वाला है। अगर महिला पूरे 9 महीने अनार का सेवन करती है तो महिला के चेहरे पर भी एक ग्लो, एक खूबसूरती, एक निखार आ जाता है। और बिल्कुल इसी तरह गर्भ में पल रहे शिशु का जो विकास होता है, उसकी स्किन का जो फेयरनेस है, टोन है, वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसा कि सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत प्यारा दिखे, बहुत खूबसूरत दिखे, तो अगर बच्चे को सुंदर बनाना चाहते हैं तो अनार का सेवन आप जरूर करें। साथ ही बच्चे के विकास में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में अनार बहुत मददगार होता है। बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही कई बार शिशु की ग्रोथ की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी की प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी से भी आपको बचाता है डेली खाया हुआ एक अनार। फ्रेंड्स, अनार के अंदर विटामिन बी, विटामिन सी, जिंक और 150 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि गर्भावस्था में बढ़ी हुई पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। तो आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आज से ही आप एक अनार का सेवन करना जरूर चालू कर दें। कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे खाया नहीं जाता, तो आप उसका ऐसी परिस्थिति में बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप उसको खा लें, लेकिन अगर आप नहीं खा सकते हैं तो आप उसका जूस निकाल के या फिर उसकी स्मूदी बना के उसका सेवन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब मॉम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।